subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा तालिबात, सरअब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। नाइन्थ मराठी कंपोजिट नवी अंतर भारती, इसके क्वेश्चन आंसर, ये कविता है दिवे हो या, इसके प्रश्न उत्तर और स्वाध्याय के वीडियो में आप तमाम का स्वागत है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। खालील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा, प्रकाशाची बंधने दूर करूया, दिवे होऊन जडूया, निराजनाशी नाते तोडूया, अंधाराला आवाहन देऊया। इसके उत्तर है, पहले का उत्तर है बरोबर, दूसरे का बरोबर, तीसरे का उत्तर है चूक और चौथे का उत्तर है बरोबर। चौकटी पूर्ण करा कविना बनायचे आहे, दुखितांचे अश्रूंच्या बनवूया, दुखितांच्या अश्रूंच्या बनवूया, थरथरणाऱ्या ज्योतींची बनवूया, अंतरमंदिरी भरूया, सर्व बंधने तोडून देऊया। इसके उत्तर है, चौकट पूर्ण करा के, पहला है दीवा, दूसरा है ज्योत, तीसरा है मयशा मशाल, चौथा है तेज और पांचवा है तिमीर। प्रश्न दूसरा, कवितेतील ओळी व त्यांचा अर्थ यांच्या जोड्या योग्य जोड्या लावा, डोळे पुसुनी दुखी जनाचे अंधारा आवाहन देऊया, तेज पथांचे यात्री करूया, अंतरमंदिरी तेज भरूया, तिमिर बंधने तोडून सारी। अब इसके उत्तर क्या है, पहला है जोड़ा लगाने का, पहले का उत्तर है दुखी लोकांचे दुख दूर करूया, दूसरा है अंधाराला दूर करण्याचे आवाहन स्वीकारूया, तीसरे का उत्तर है प्रकाशमय जीवन रस्त्यांचे प्रवासी बनो, चौथे का उत्तर है प्रत्येकाची मने तेजाने करूया, पांचवे का उत्तर है अंधकाराच्या आड़ येणारी बंधने तोडून टाकू। प्रश्न तैयार करा, मशाल उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा, दूसरा चराचराला उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा, और उसके बाद है खालील शब्दांचे समानार्थी शब्द कवितेतून शोधा, अंधार जग दीप रजनी। ये प्रश्न तैयार करना है, पहले का प्रश्न है अनेक ज्योतिना एकत्रित करून काय बनवू इच्छितो मशाल, दूसरे का प्रश्न बनाया है तिमिरांची बंधने तोडून कवी कोणाला प्रकाश देण्याचे सांगत आहे चराचराला। प्रश्न तीसरा, व्याकरण कृति है समानार्थी शब्द, पहले का उत्तर है तिमिर, दूसरे का विश्व, तीसरे का दिवा और चौथे का रात्र। स्वमत कृति है कवीला काय काय करावे से वाटते ते कवितेचे आधारे तुमच्या शब्दात लिहा, अंधार आणि प्रकाश या दोन संकल्पनाचा तुम्हाला समजलेला अर्थ सुदाहरण स्पष्ट करा। तीसरा प्रश्न है डोळे पुसुनी दुखी जनांचे त्या अश्रूंच्या ज्योत करूया, या ओळीचा तुम्हाला समजलेला अर्थ लिहा, और अभिव्यक्ति कवीप्रमाणे तुम्हाला कोण व्हावे से वाटते ते साकारण स्पष्ट करा। यह प्रश्न नहीं दिए गए हैं, उत्तर हम डायरेक्ट लिखेंगे। पहले का उत्तर है प्रस्तुत कवितेत जयंत कुमार त्रिभुवन यानी दिवे होऊन जग उजळावे से वाटते, दुखी जनांचे डोळे पुसावे से वाटते, त्यांच्या जीवनात आलेल्या अंधारांना आवाहन द्यावे से वाटते, लहान लहान ज्योती मिळवून एक मोठी मशाल व्हावे से वाटते, त्या मशालीद्वारे त्यांना सर्व गरिबांच्या व गुन्हेगारांच्या पदरी पडलेल्या अंधारास नष्ट करावेसे वाटते, तसेच लोकांच्या मन मंदिरात तेज भरावेसे वाटते। अशा प्रकारे कवीला जगाच्या अज्ञानाशी व गरिबीशी वाईट प्रवृत्तीशी लढावेसे वाटते। यानी जयंत त्रिभुवन में ने कहा है कि वो दीवा यानी दिया बनकर इस जग को यानी दुनिया को रोशन करना चाहते हैं, और दुखी लोगों के आँखें बनना चाहते हैं, डोड़ा बनना चाहते हैं, उनकी आँखें पोछना चाहते हैं, और ज़िंदगी में आए हुए अंधार यानी अंधेरे को दूर करना चाहते हैं, छोटी छोटी ज्योति यानी दीप बनकर वो मशाल बनना चाहते हैं, और मशाल के बनकर वो गरीबों के दुख दूर करना चाहते हैं, और गुनहगारों को नष्ट करना चाहते हैं, गुनहगारी जो बढ़ गई है, लोगों के मन मंदिर में वो रोशनी बनना चाहते हैं, ऐसा कवि को लगता है। दूसरे का उत्तर है
दिवे हो या प्रस्तुत कवितेत कवी जयंत कुमार यांनी गरिबांच्या दुःख व पीडा यांना अंधार म्हटले आहे. यांनी जयंत कुमार त्रिभुवन ने क्या कहा है, गरीबों के जो दुख और पीड़ा है वो क्या है, एक अंधेरा है. तसेच त्यांचे दुख दूर केले व त्यांच्या जीवनात आनंद पसरला तर त्या आनंदास प्रकाश म्हणून संबोधले. यानी अगर उनके गरीबों के दुख दूर होंगे और जिंदगी में खुशी आएगी तो वो आना खुशी नहीं बल्कि रोशनी होगी, प्रकाश होगा. म्हणून कवीने गरिबांच्या जीवनात पसरलेला अंधार म्हणजे त्यांचे दुःख दूर करण्याचे आवाहन केले आहे. इसीलिए कवीने शायरने गरीब की जिंदगी में पड़े हुए अंधेरे को दूर करने का आवाहन किया है. त्याच्या जीवनातील हे अंधार नष्ट झाले तर आनंदमय प्रकाश त्यांच्या जीवनात येईल असे कवीला वाटते. अगर उनकी जिंदगी का अंधेरा दूर हो गया तो ये जो खुशी देने वाली रोशनी है ये उनकी जिंदगी बदल सकता है. तीसरे का उत्तर है, जगात अनेक माणसे दुखाने ग्रासलेली आहेत, त्या दुखी माणसाचे दुख दूर करण्यासाठी आपण पुढे आले पाहिजे. यानी दुनिया में बहुत सारे लोग दुखों से परेशान हैं और हमें इंसानों के दुख दूर करने के लिए आगे आना चाहिए. आवश्यक तेवढी मदद करावी, जितनी ज़रूरत हो मदद करना चाहिए. त्यांना धीर द्यायला हवे और उन्हें भरोसा देना चाहिए. त्यांच्या डोळ्यातून निघालेले अश्रू ज्योती करणे म्हणजे दुखाने रडत न बसता ज्योती जसे अंधारात मार्ग दाखवते तसे दुःखातून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधावे, कारण दुखावचे सावट नेहमी राहत नाही. यानी दुख के वक्त उनके आँखों से निकलने वाले आंसू पोछना चाहिए. दुख रोने से दूर नहीं होता बल्कि अंधेरा दूर करने के लिए रास्ता ढूंढना पड़ता है और उसका रास्ता ढूंढने से ही दुख का अंधेरा दूर हो सकता है. अब ये जो अभिव्यक्ति का जो प्रश्न है उसका उत्तर है, कवीला ज्याप्रमाणे दिवा भावे से वाटते त्याचप्रमाणे मला काठी भावे से वाटते. यानी शायर को जैसा लगता है कि उसे एक दिया बनना चाहिए, मुझे लगता है कि किसी की काठी यानी सहारा बनना चाहिए. आंधळ्या लोकांना ठिकाणापर्यंत जाण्यासाठी अड़चन निर्माण हो नये, अंधेरे लोगों के लिए अपने मकाम तक जाने के लिए कोई मुश्किल ना आए, त्यांना या जगातील डोळस आंधळ्या लोकांनी धड़क मारू नये और उन्हें इस दुनिया के जो आँखों वाले अंधे आँखों के अंधे होते हैं उन्होंने नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए. त्यांना कोणीही त्रास देऊ नये, उन्होंने किसी ने भी उसे उन्हें तकलीफ नहीं देना. म्हणून अशा लोकांची काठी बनून त्यांना मदद करावी असे मला वाटते. इसीलिए ऐसे लोगों की मदद करना और उनकी लाठी बनकर उनका सहारा बनना मुझे लगता है. आंधळ्या माणसाचा प्रवास सुखाचा झाला की त्यांना आनंद होतो. अंधे लोगों को अगर उनका सुख का अगर सफ़र शुरू हो गया तो उन्हें खुशी होती है. आपल्या मनाला एक सदकार्य केले, अगर हमने अपने दिल से एक अच्छा काम किया, सदकार्य यानी अच्छा काम, याचे समाधान प्राप्त होते, इसका हमें दिल को तसल्ली होती है. म्हणून मला काठी भावे से वाटते, इसलिए मुझे किसी की लाठी होना चाहिए ऐसा लगता है. तख्ता पूर्ण करा, सामासिक शब्द विग्रह और समासाचे नाव. अब देखिए इसमें एक गलती हो गई है, सामाजिक हो गया है, इसे सामासिक कीजिए. यहाँ पर बाजू का जो बॉक्स है तख्ता है इसमें चौकट में दिए हुए हैं और वो तख्ता पूर्ण करना है. चलिए इसका उत्तर देखते हैं. सामासिक शब्द विग्रह और समासाचे नाव, घड़ोघड़ी प्रत्येक घड़ी ला अव्ययी भाव, बरे वाईट बरे किंवा वाईट वैकल्पिक द्वंद्व, पाप पुण्य पाप किंवा पुण्य वैकल्पिक द्वंद्व, प्रत्यक्ष प्रतिक्षण प्रत्येक क्षण अव्ययी भाव, मीठ भाकरी वगैरह समाहार द्वंद्व, आजन्म आमरण जन्मापासून मरे पर्यंत अव्ययी भाव, दहा किंवा किंवा बारा वैकल्पिक द्वंद्व. उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा. अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी. खुदा हाफिज़.